ਔਖੀ ਕੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਓ ਲਾਗ ਰਹੋ ਮੇਰਾ ਚੀਤ ਆਦਿ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਤਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ ਰਹਾਓ ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਪਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਬਡਾਈ ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨਦ ਕਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਬ ਸੇ ਯੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਲੋਕ ਬਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰ ਨਾ ਜਾਨੇ ਕਿਤਨੇ ਮਨੁੱਖ ਆਏ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ ਇਨ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਲੋਂ ਮੇਂ ਨਾ ਜਾਨੇ ਹਮ ਕਿਤਨੀ ਬਾਰ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕਰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਰੂਪ ਮੇਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰ ਆਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਭੀ ਪਸ਼ੂ ਤੋ ਕਭੀ ਪਕਸ਼ੀ ਕਭੀ ਜਾਨਵਰ ਤੋ ਕਭੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਤਯੁਗ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਆਇਆ ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਆਇਆ ਔਰ ਅਬ ਕਲਯੁਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਉਮਰ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ ਆਜ ਹਮ ਸੋਚਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਦੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਭੀ ਹਮ ਦੁੱਖੋਂ ਮੇਂ ਜੀਤੇ ਹੈ ਤੋ ਕਭੀ ਹਮ ਸੁਖੋਂ ਮੇਂ ਜੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕੋ ਹਮ ਸੱਚ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਬਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਝੂਠ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਅਟਲ ਹੈ ਵਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਹਮੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਮੇਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਉਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸੇ ਆਗੇ ਚੱਲ ਕਰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆਗੇ ਚੱਲ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਨਰਕ ਭੋਗਤੇ ਹੈ ਜਮਦੂਤ ਉਸੇ ਲੈਣੇ ਆਤੇ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਵੋ ਦੰਡਿਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਸ਼ਟ ਝੇਲਤਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਭੋਗਤਾ ਹੈ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋ 84 ਲੱਖ ਜੁਨੇ ਭੋਗਨੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਇਨ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਲੋਂ ਮੇਂ ਨਾ ਜਾਨੇ ਹਮ ਕਿਤਨੀ ਬਾਰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰ ਆਏ ਹੈ ਜਬ ਤੱਕ ਹਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਮੇਂ ਆ ਕਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਉਸੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤੇ ਤਬ ਤੱਕ ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਿਫਲ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਮੇਂ ਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੇਤਾ ਹੈ ਉਸਕਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਕਰ ਜਾਤਾ ਹੈ ਵੋ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਸੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਲੋਕ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੜਤਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਕਾ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਵੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਤਾ ਹੈ ਵੋ ਆਪ ਤੋਂ ਤਰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਤਾਰ ਦੇਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਬ ਤੱਕ ਹਮੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਜਬ ਤੱਕ ਹਮ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਤੇ ਤਬ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਕਾ ਖੇਲ ਯੂੰ ਹੀ ਚਲਤਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਜਾਨੇ ਹਮ ਕਿਤਨੀ ਬਾਰ ਆਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰ ਔਰ ਯੂੰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਨੇ ਹਮ ਕਿਤਨੀ ਬਾਰ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਤੇ ਰਹੇਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ
जिस अवस्था में मनु को प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, तीनों लोकों का ज्ञान हो जाता है। आज हम ऐसे ही एक ब्रह्म ज्ञानी की कथा सुनेंगे जिन्होंने प्रभु की प्राप्ति कर ली। उस महापुरुष को कहते हैं सिखों के 10 में से 6 गुरुओं के दर्शन हुए, वे उनके साथ रहे, उनके करीब रहे, जिनका नाम है बाबा बुड्ढा जी। बाबा बुड्ढा जी का जन्म 6 अक्टूबर 1506 में हुआ कथू नंगल गांव में, जो कि अमृतसर से करीब है। उनके पिता का नाम पाई सुग्गा था, जो कि एक जट थे, रंधावा घराने के थे, और माता माई गोरा जी। माता पिता दोनों ही प्रभु प्रेमी थे और कहते हैं वे अपना सारा समय प्रभु की बंदगी में लगाते थे। तभी तो उनके घर इतनी महान संतान ने जन्म लिया जिन्होंने प्रभु की प्राप्ति की। अक्सर संसार में देखने में आता है कि जो माता पिता प्रभु के साथ जुड़ते हैं, उसी घर में परमेश्वर की कृपा रहती है और बच्चे लायक निकलते हैं। और संसार में कई बार ये भी देखने में आया है कि मनुख अपने पिछले संस्कार साथ लेकर आता है। इसलिए कई बार देखने में आता है कि कोई नन्हा बालक, उसे बहुत ज्ञान होता है, बहुत समझ होती है। कई बार तो देखने में आता है कि कुछ बच्चे बिना सिखाए ही कुछ ऐसी कलाओं के साथ जुड़ जाते हैं जो कि बहुत कठिन होती है। कुछ बच्चे बचपन से ही गाने का शौक रखते हैं, संगीत का शौक रखते हैं, और कुछ बच्चों को कुछ और शौक होता है, और कुछ बच्चे खेलकूद में आगे होते हैं। परंतु धन है बाबा बुड्ढा जी, जो कि बचपन से ही बंदगी किया करते थे, नाम सिमरन में जुड़ते थे, प्रभु की भक्ति किया करते थे। कहते हैं माता पिता ने उनका नाम बूढ़ा रखा था और लोग उन्हें पाई बूढ़ा कहके पुकारते थे। 1518 की बात है जब बूढ़ा जी केवल 12 साल के थे, जो कि एक छोटी उम्र मानी जाती है। उस उम्र में कहते हैं वे नाम सिमरन किया करते थे। और एक बार की बात है कि उनके गांव के पास आप पिता परमेश्वर का रूप तान तान साहेब श्री गुरु नानक देव जी आए, जो कि पेड़ के नीचे बैठकर संगतों को उपदेश दे रहे थे। कहते हैं वो नन्हा सा छोटा सा बालक बूढ़ा पाई गुरु साहेब जी के चरणों में आकर बैठ गया और प्रभु के विचार सुनने लगा। गुरु साहेब जी के मुख से आई हुई वाणी का आनंद लेने लगा। उपरांत घर लौटकर उसने अपनी माता से प्रार्थना की कि मैं गुरु साहेब जी को दूध छकाना चाहता हूँ। कहते हैं माता ने उसे ताज़ा दूध गर्म करके दिया और उसी वक्त वो गुरु साहेब जी के चरणों में पधारा। गुरु साहेब जी के चरणों में दूध रखा। कहते हैं गुरु साहेब जी ने अपनी मेहर भरी दृष्टि उस छोटे से बालक पर डाली। नन्हे से बालक ने कहा कि हे सच्चे पातशाह, मुझे प्रभु की बातें सुनाएं कि जीवन बहुत ही छोटा है, ना जाने कब मौत आ जाए,
क्योंकि मौत हमारे सर पर मंडरा रही है। इससे पहले कि वो मुझे अपने चपेट में ले ले, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे प्रभु का ज्ञान दें, मुझे प्रभु के चरणों के साथ जोड़ लें। 12 साल की उम्र के नन्हे से बालक की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर गुरु साहब जी हैरान हुए। उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें क्यों लगता है कि मौत आने वाली है, अब तो तुम छोटी उम्र की हो। बालक ने उत्तर दिया कि जुल्मी हाकम ने हमारे खेत लूट लिए थे और जो खेत अभी कच्चे थे, फसल पकी भी नहीं थी, वो उन्होंने उजाड़ दी और अनाज लूट कर ले गए। ना जाने कब इंसान का बुलावा आ जाए और मनु के काम अधूरे रह जाएं। हर व्यक्ति को ये सृष्टि छोड़कर जानी है। हमें मानुक जीवन मिला है प्रभु की प्राप्ति के लिए, और हमें ये प्रयास करना है कि हमें जल्द से जल्द प्रभु की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि ना जाने कब मौत आ जाए। क्योंकि हम सृष्टि में देखते हैं कि मौत सिर्फ बुजुर्गों को नहीं आती, वो जवानों और बच्चों को भी आती है। भाई बूढ़ा ने गुरु साहब जी से कहा कि हे सच्चे पातशाह, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे प्रभु का राह बताएं। गुरु साहब जी ने भाई बूढ़ा जी से उसका नाम पूछा। बालक ने अपना नाम बूढ़ा बताया और गुरु साहब जी ने उस भाई बूढ़े को अपने गले से लगा लिया, उस पर बख्शिशें की और वचन किया कि आज से तुम्हारा नाम बूढ़ा नहीं बल्कि भाई बुड्ढा है, यानी कि बुजुर्ग। क्योंकि गुरु साहब जी के अनुसार इस नन्हे बालक को ज्ञान था, प्रभु को मिलने की प्यास थी, छोटी आयु होने के बावजूद भी वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। आज संसार में हम देखते हैं कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसकी उम्र उसकी आयु अधिक हो, वो बूढ़ा हो जाए, परंतु अभी भी उसका मन चंचल रहता है। आज भी वो बच्चों जैसी हरकतें करता है। कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में कभी नाम ना जपा हो, भक्ति ना की हो, सेवा बंदगी ना की हो, वो अगर ये सोचे कि बूढ़ा होकर वे प्रभु की प्राप्ति कर लेगा तो ये असंभव है, बल्कि बहुत कठिन है। क्योंकि जो मनुख शुरू से ही मनमुख हो, जो नाम ना जपे, सेवा बंदगी ना करे, उसने अपना जीवन गलत कामों में बिताया हो, तो क्या हम सोच सकते हैं कि बुढ़ापे में वे सुधर जाएंगे? क्या उनका मन बदल जाएगा? क्या वो अच्छी सोच रखेंगे? जिस मनुख ने जीवन भर झूठ बोला हो, गलत काम किए हो, गलत नज़र रखी हो, जो व्यक्ति निंदा चुगली और ईर्ष्या में जुड़ा हो, क्या हम सोच सकते हैं कि वो बुढ़ापे में आकर वो सब छोड़ देगा? जिस प्रकार भगत कबीर जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, राम जपो जी ऐसे ऐसे त्रूप रहलाद जपयो हर जैसे। यहाँ पर भगत कबीर जी कह रहे हैं कि राम नाम ऐसे जपो, प्रभु की भक्ति ऐसे करो जिस प्रकार भगत ध्रुव और भगत प्रहलाद ने की। उन्होंने
इन दोनों भक्तों का नाम इसलिए लिया क्योंकि वे दोनों ही छोटी आयु के थे। जो मनुख छोटी अवस्था में, छोटी आयु में नाम जपते हैं, उन्हें जल्द ही प्रभु की प्राप्ति हो जाती है क्योंकि उनका मन निर्मल होता है। दुनियावी मोह माया में वे फंसे नहीं होते। कबीर जी यहाँ पर हमें उपदेश दे रहे हैं कि हमें अपनी आयु नहीं देखनी कि हम किस आयु के हैं, किस अवस्था में हैं। पहले तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बचपन से ही प्रभु के साथ जुड़ें और जिस आयु में भी जाकर हमें ये ज्ञान हो जाए कि प्रभु ही सब कुछ है, उसे पाना ही हमारा उद्देश्य है, असली मकसद है, उसी वक्त हमें प्रभु के साथ जुड़ जाना चाहिए। आज संसार में हम देखते हैं कई मनुख ये कहते हैं अभी तो कमाने खाने की उम्र है, ऐश करने की उम्र है, नाम हम बुढ़ापे में जाकर जप लेंगे। पर हे मनुख, तू इस संसार के मनुखों को देख जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनकी मुंह में दांत नहीं हैं, जिनके हाथ पांव कांप रहे हैं, जो गुरुद्वारे की सीढ़ी चढ़कर भी आ नहीं सकते, जिसके कंठ से सही वाणी का उच्चारण भी नहीं हो रहा, बुजुर्गों में इतनी शक्ति भी नहीं होती कि वो देर तक बैठकर नाम जप सकें या पूरा पंचवाणी का पाठ कर सकें, उनमें इतनी शक्ति भी नहीं होती कि वो सेवा कर सकें। तो हे मनुख, तू जिस भी अवस्था का है, जिस भी आयु का है, अभी से प्रभु के साथ जुड़ जा, उसकी बंदगी कर, प्रभु के साथ जुड़। इसी प्रकार गुरु साहिब जी ने भाई बूढ़ा जी को अपने गले से लगा लिया और कहा कि तुम्हारी उम्र तो छोटी है और तुम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, आज से तुम्हारा नाम भाई बूढ़ा नहीं बल्कि भाई बूढ़ा यानी कि बुजुर्ग। उसके बाद से भाई बूढ़ा जी इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। कहते हैं बाबा बूढ़ा जी ने उस वक्त मन बना लिया कि अब वे हमेशा के लिए गुरु नानक देव जी के साथ जुड़ेंगे और उनके चरणों में ही रहेंगे। ये बात उन्होंने जाकर अपने माता पिता से कही और माता पिता ने इनकार नहीं किया। उपरंत गुरु नानक देव जी जब करतारपुर गए तो बाबा बूढ़ा जी और उनका पूरा परिवार करतारपुर में आकर बस गया। गुरु साहिब जी ने करतारपुर नगरी वसाई और बाबा बूढ़ा जी वही उनके साथ रहे। रावी नदी के पास ढाला गांव में करतारपुर के नज़दीक उन्होंने अपना घर बसा लिया। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी ने संगतों पर कृपा की। जब वे अपनी यात्रा पर जाने लगे तो कहते हैं उनके पीछे पीछे संगत आने लगी और गुरु साहिब जी ने अपने झोले में से निकालकर संगतों पर हीरे जवाहरात फेंके और कई संगतों ने उन हीरे जवाहरातों को समेट कर वे लौट गए। परंतु जब गुरु साहिब जी ने पीछे मुड़कर देखा तो अभी भी कुछ संगत उनकी पीछे थी। गुरु साहिब जी ने फिर से अपने झोले में से सोना चांदी निकालकर फेंका। संगतों ने वो भी उठा लिया और वे भी लौट गए। इस बार जब गुरु साहिब जी ने पीछे मुड़कर देखा तो इस बार उनके पीछे सिर्फ भाई लैना जी
और बाबा बुड्ढा जी थे। कहते हैं गुरु साहब जी ने उन दोनों को जाने को कहा। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि गुरु साहब जी ने उन्हें डंडे तक मारे ताकि वो लौट जाएं, उनके पीछे ना आए। परंतु पाई लैना जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सच्चे पातशाह, आप जहाँ रहेंगे मैं आपके साथ ही रहूँगा। वे उनके चरणों में गिर गए और बाबा बुड्ढा जी ने भी गुरु के चरणों में माथा टेका। इसी प्रकार बाबा बुड्ढा जी को दूसरी बार गुरु साहिब जी ने अपने गले से लगाया और उन पर रहमतें की, बख्शीशें की। उपरंत बाबा बुड्ढा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ, वे ब्रह्मज्ञानी बन गए। उन्हें तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त हुआ और पाई लैना जी को कई परीक्षाओं के बाद उन्होंने गुरुगद्दी सौंपी और गुरु नानक देव जी ने बाबा बुड्ढा जी पर खुश होकर ये वचन कहा, बाबा बुड्ढा तेरे तो ओले कदे ना होसी। जिसका अर्थ ये था कि भले ही सारी दुनिया मुझे ढूंढती रहे, मैं किसी को ना मिलूं, पर मैं तुझसे कभी छुपूंगा नहीं, तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। कहते हैं जब गुरु नानक देव जी की ज्योत पाई लैना जी में गई, गुरु नानक देव जी ने उनका नाम अब पाई लैना जी से गुरु अंगद देव जी रखा, तो गुरु नानक देव जी ने खुद गुरु अंगद देव जी को माथा टेका था। उपरंत सबसे पहला मौका गुरु अंगद देव जी को माथा टेकने का बाबा बुड्ढा जी को मिला। उन्होंने ही गुरु अंगद देव जी को गुरुगद्दी का तिलक लगाया। धन है बाबा बुड्ढा जी जिनको इतनी बड़ी सेवा मिली। उपरंत गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योत समा गए और कहते हैं गुरु अंगद देव जी खडूर साहिब चले गए, परंतु बाबा बुड्ढा जी करतारपुर में ही रहे। एक बार की बात है, गुरु अंगद देव जी माई पिराई के घर चले गए और उन्हें वचन कर दिए कि ये किसी से ना कहना कि मैं तुम्हारे घर पर भक्ति कर रहा हूँ। ऐसा ही हुआ। सभी संगत गुरु साहिब जी को ढूंढने लगी कि आखिर गुरु साहिब जी गए कहाँ पर। ये बात बाबा बुड्ढा जी तक पहुँची और कहते हैं वे रावी नदी पार करके करतारपुर से खडूर साहिब पहुँचे। जिस प्रकार कभी गुरु नानक देव जी ने कहा था कि मैं तुझसे कभी दूर नहीं रहूँगा, भले ही सारे संसार को ना दिखूं पर तेरे करीब रहूँगा। गुरु साहिब जी के कहे अनुसार बाबा बुड्ढा जी ये जानते थे कि गुरु अंगद देव जी वही गुरु नानक देव जी की ज्योत है और गुरु नानक देव जी के कहे अनुसार वो उनसे कभी छुपेंगे नहीं। इसी प्रकार कहते हैं बाबा बुड्ढा जी ने रबाबियों को बुलाया, उन्होंने साज छेड़े, गुरु नानक देव जी की बानी पड़ी गई, जिसे सुनकर गुरु अंगद देव जी माई प्राय के घर से बाबा बुड्ढा जी के पास चले आए। धन है बाबा बुड्ढा जी जिन्होंने गुरु अंगद देव जी को दुनिया के सामने फिर से प्रकट कर दिया और दुनिया में बाबा बुड्ढा जी की जय जयकार हुई। गुरु अमरदास जी की सेवा को देखते हुए गुरु अंगद देव जी ने
उन्हें गुरगद्दी सौंपी, अपनी जोत उन्हें दे दी और बाबा बुड्ढा जी ने ही गुरु अमरदास साहब जी को गुरता गद्दी का तिलक लगाया और गुरु अंगद देव जी के बाद सबसे पहले बाबा बुड्ढा जी ने ही गुरु अमरदास साहब जी को माथा टेका। गुरु अमरदास साहब जी को गुरगद्दी मिलने पर सभी सिख संगत ने उन्हें अपना तीसरा गुरु स्वीकार कर लिया, परंतु गुरु अंगद देव जी के जो साहिबजादे थे, उनके बेटे थे, वो चाहते थे कि गुरगद्दी उन्हें मिले, ना कि गुरु अमरदास साहब जी को। कहते हैं इस पर वे बहुत क्रोधित हुए और गुरु अमरदास साहब जी के पास आकर उन्हें लात मारी, उनकी बेअब्दी की और कहा सुबह होने से पहले गोविंदवाल साहब छोड़कर चले जाओ। सबसे पहले तो गुरु अमरदास साहब जी ने बाबा दातू जी से माफ़ी मांगी और कहा आप गुरु अंगद देव जी के साहिबजादे हो, गुरु के लाल आए और मैं उठकर खड़ा भी नहीं हुआ, आपका सत्कार नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करें। ज़रा सोचिए कितनी निम्रता होगी गुरु अमरदास साहब जी के पास। गुरु साहब जी ने कहा मैं तो आपके दर का गागर ढोने वाला एक साधारण व्यक्ति हूँ, आप गुरु के लाल हैं, मैं आपका सत्कार नहीं कर सका, आपके पास उठकर नहीं आया, मुझे क्षमा कर दें। आज हमें सोचना है कि हम सेवा करते हैं और घमंड करते हैं कि मैं कर रहा हूँ। ज़रा सोचिए कितनी निम्रता होगी गुरु के अंदर जिन्होंने इतने सालों तक गागर की सेवा की, गुरु को स्नान करवाया और जब गुरु के लाल ने उन्हें लात मारी तो वो कितनी निम्रता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। कहते हैं गुरु अमरदास साहब जी अगले ही दिन सुबह गोविंदवाल साहब छोड़कर बिना किसी को बताए अपने पिंड बासड़के चले गए और वहां जाकर कह दिया कि दरवाज़ा खोलना मना है, जो व्यक्ति दरवाज़ा खोलेगा वो गुरु का सिख नहीं। इस बात का सिख संगतों को पता नहीं चला और वे अपने गुरु को ढूंढते रहे। उपरंत वे बाबा बुड्ढा साहब जी के चरणों में पहुंचे, क्योंकि वे जानते थे कि गुरु नानक देव जी के वचनों के अनुसार गुरु साहब जी की जोत उनसे कभी छुप नहीं सकती। गुरु अमरदास साहब जी जहाँ पर भी होंगे बाबा बुड्ढा जी को पता चल जाएगा। कहते हैं जिस घोड़ी पर बैठकर गुरु अमरदास साहब जी गोविंदवाल साहब जी से बासड़के गए थे, वो घोड़ी बासड़के से गोविंदवाल साहब वापस लौट आई और बाबा बुड्ढा जी ने साहिब श्री गुरु अमरदास साहब जी की घोड़ी को आगे रखा और पीछे उनके सारी संगतों के साथ नगर कीर्तन के रूप में बासड़के जा पहुँचे। गुरु साहब जी की घोड़ी गुरु साहब जी के पास पहुँची। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुड्ढा जी तो जानी जान थे, सब कुछ जानते थे कि गुरु साहब जी कहाँ पर हैं, परंतु उन्होंने अपने ऊपर वडियाई नहीं ली।
बल्कि गुरु साहिब जी की घोड़ी को आगे रखा। आज हम संसार में देखते हैं कि यदि हमें कोई पद मिल जाए तो हम अहंकार में जीते हैं और ये सोचते हैं कि हम जैसा कौन होगा। परंतु बाबा बुड्ढा जी को इतनी बड़ी बड़ी दातें मिली, वो इतने महान थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्हें गुरुओं का साथ मिला, उनका प्यार मिला और उनके अंदर इतनी निम्रता थी। इसी प्रकार गुरु साहिब जी की घोड़ी का पीछा करते करते वे गुरु साहिब जी तक पहुंच गए। दरवाजे के बाहर लिखा हुआ था, जो दरवाजे से अंदर आएगा वो गुरु का सिख नहीं होगा। ये पढ़कर बाबा बुड्ढा जी ने पीछे से एक गुप्त दरवाज़ा खोल दिया और दीवार फांद कर घोड़ी समेत अंदर आए और अंदर पहुंचकर गुरु साहिब जी को नमस्कार किया, उनके चरणों में माथा टेका और गुरु साहिब जी से माफ़ी मांगी कि वो इस तरह से अंदर आए हैं। गुरु साहिब जी ने बाबा बुड्ढा जी के प्रेम को देखकर, उनकी श्रद्धा को देखकर, उनकी सेवा को देखकर उन्हें अपने गले से लगा लिया और कई बख्शिशें की। इस स्थान पर आज एक बहुत ही विशाल गुरुद्वारा सन साहिब मौजूद है। संगत यहाँ पर दूर दूर से दर्शनों के लिए आती हैं और गुरु साहिब जी को याद करके और बाबा बुड्ढा साहिब जी की सेवा को देखकर संगत उन्हें प्रणाम करती हैं और अपना जीवन सफला करती हैं। कहते हैं उस समय जात पात का बहुत भेदभाव था, छोटी जात वालों को, नीची जात वालों को कुएं से पानी भरने नहीं दिया जाता था। वे कई कई कोस दूर चलकर पानी का स्रोत ढूंढकर वहां से जल भरकर लाया करते थे। इस बात को देखकर गुरु अमरदास साहब जी ने गोविंदवाल साहब में बौली साहब बनाने की सोची और इस कार्य के लिए एक दिन नियुक्त किया गया। सभी संगत ये सोच रही थी कि बौली साहब का टक गुरु अमरदास साहब जी आप लगाएंगे, परंतु ये सेवा उन्होंने बाबा बुड्ढा जी को सौंपी। और कहते हैं गोविंदवाल साहब जी में बौली साहब जी का पहला टक बाबा बुड्ढा जी ने अपने हाथों से लगाया था। गोविंदवाल साहिब में बौली साहिब का अमृतमय कुंड आज भी संगतों की आस्था का केंद्र है। दूर दूर से संगत आज भी बौली साहिब में स्नान करने आते हैं और अपना जीवन सफला करते हैं और गुरु के उस उद्देश्य को पूरा करते हैं जो गुरु का विचार था कि एक ऐसी अमृतमय कुंड हो जिसमें सभी वर्गों के लोग स्नान करें, जिससे कि जात पात का मतभेद मिट जाए और सभी एक होकर रहें। वो उद्देश्य पूरा हुआ। कहते हैं गुरु साहिब जी ने 22 मंजियाँ थापी, 22 प्रचारक रखे जो कि सिखी का प्रचार करते, क्योंकि उस वक्त मुगलों का राज था जहाँ पर सिख एकजुट होकर बैठ भी नहीं सकते थे। परंतु गुरु के ये 22 प्रचारक सिखी का प्रचार करते ताकि सिखी हर जगह फैल सके और मुगलों की तानाशाही
कम हो सके। इन सभी बाई प्रचारकों के मुखी बाबा बुड्ढा जी थे। बाई प्रचारकों के राही जो भी सेवा चल रही होती, सिखी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कार्य चल रहे होते, उस सभी की देखभाल बाबा बुड्ढा जी कर रहे थे। पाई जेठा जी जिन्होंने तीसरी पातशाही गुरु अमरदास साहब जी की बहुत सेवा की, दिन रात वे सेवा में तत्पर रहते, यहाँ तक कि जब उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु साहब जी ने अपनी बेटी की शादी भाई जेठा जी से करवा दी, परंतु उसके उपरंत भी वे गुरुघर के जवाई होने के बावजूद भी गुरुघर में टोकरी ढोते, सेवा करते। कहते हैं जब उनके कोई रिश्तेदार लाहौर से आए, तब जेठा जी को उन्होंने टोक दिया कि तुम अपनी कुल को दाग लगा रहे हो, दामाद होकर अपने ससुर के घर टोकरी ढो रहे हो। जेठा जी के शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी टोकरी ढो ढोकर। पाए जेठा जी ने गुरु अमरदास साहब जी से हाथ जोड़कर बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दें। इस पर बाबा बुड्ढा जी ने कह दिया था कि ये टोकरी नहीं, ये गुरुघर का छत्र है जो पाई जेठा जी के सर पर है। उपरंत गुरु अमरदास साहब जी ने पाई जेठा जी को गुरता गद्दी सौंपी और उनका नाम पाई जेठा जी से गुरु रामदास साहब जी रख दिया। गुरता गद्दी का तिलक आप बाबा बुड्ढा जी ने लगाया और गुरु अमरदास साहब जी के उपरंत बाबा बुड्ढा जी ने ही गुरु रामदास साहब जी को मथा टेका। जब गुरु रामदास साहब जी ने गुरु का चक अमृतसर नगर बसाया, तब बाबा बुड्ढा जी उनके साथ अमृतसर जा बसे। गुरुघर की टोकरी ढोई, कार सेवा की, बेरी की पेड़ के नीचे बैठकर संगतों से सरोवर तैयार करवाया, हरमंदिर साहिब तैयार करवाया। गुरु रामदास साहब जी के तीन बेटे थे, महादेव, पृथ्वीचंद और अर्जन देव जी। महादेव जो थे वो अपने में ही मस्त रहते थे, उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। और पृथ्वीचंद जी जो थे वो गुरुग्रह के दोखी थे, जो कार सेवा की माया का संभाल करते थे और हेरफेर करते थे। और अर्जन देव जी गुरु प्रेमी थे। अर्जन देव जी को जब गुरु रामदास साहब जी ने किसी रिश्तेदार की शादी के लिए लाहौर भेज दिया, वहाँ से उन्होंने गुरु साहब जी को चिट्ठियाँ लिखीं, जिसे पढ़कर गुरु रामदास साहब जी ने बाबा बुड्ढा जी को अर्जन देव जी के पास भेजा उन्हें वापस लेकर आने के लिए। बाबा बुड्ढा जी आप लाहौर गए और अर्जन देव जी को बहुत ही सत्कार के साथ लेकर आए। बाबा बुड्ढा जी जानते थे कि गुरुगद्दी के आगे के वारिस गुरु अर्जन देव जी होंगे। जब अर्जन देव जी को बाबा बुड्ढा जी गोविंदवाल अपने साथ ले आए, गुरु रामदास साहब जी ने बाबा बुड्ढा जी को पूछा कि गुरुगद्दी अब किसे मिलनी चाहिए। बाबा बुड्ढा जी ने कहा गुरु अर्जन देव जी ही गुरुगद्दी के असली वारिस हैं, गुरता गद्दी उन्हें ही मिलनी चाहिए। उपरंत गुरु रामदास साहब जी ने गुरु अर्जन देव जी को
गुरगद्दी बख्शी और बाबा बुड्ढा जी ने गुरता गद्दी का तिलक अपने हाथों से गुरु अर्जुन देव जी को लगाया और उनके चरणों में माथा टेका। गुरता गद्दी के समय कहते हैं प्रीतिचंद ने बाबा बुड्ढा जी के हाथों पगड़ी छीन ली थी जो कि वे गुरु अर्जुन देव जी को पहनाने जा रहे थे। इस पर बाबा बुड्ढा जी ने प्रीतिचंद से कहा, ये पगड़ी तुम रख लो, ये तो एक मामूली सा कपड़ा है, परंतु गुरु की ज्योत तो अब गुरु अर्जुन देव जी के अंदर समा गई है। इस कपड़े से कोई गुरु नहीं बन जाएगा। इस पर प्रीतिचंद बाबा बुड्ढा जी पर बहुत क्रोधित भी हुआ था, परंतु बाबा बुड्ढा जी ने उसे प्रेम से कहा कि मैं तो गुरु घर का सेवक हूँ और हमेशा ही सच्चाई का साथ दूंगा। प्रीतिचंद जो था गुरु घर में चोरियाँ करता था, कार सेवा की माया वो अपने ही पास रख लेता था, जिसके कारण गुरु घर में लंगर बनना कम हो गया था और गुरु घर की माया अब कम होने लगी थी। और अब तो ऐसी नौबत आ गई थी कि गुरु घर में लंगर पकाने के लिए रसक ही नहीं थी। इस पर बाबा बुड्ढा जी ने आगे आकर प्रीतिचंद की चोरियों पर रोक लगा दी और संगतों को इकट्ठा करके प्रीतिचंद की बदमाशियों के बारे में बताया और कार सेवा में हुई चोरियों को बंद करवा दिया, जिसके कारण गुरु घर में फिर से लंगर चलने शुरू हुए। एक बार की बात है, प्रीतिचंद की पत्नी ने गुरु अर्जुन देव जी के महल को माता गंगा जी को ताना दे दिया, कहा कि उनके घर कोई औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है और आगे चलकर प्रीतिचंद के बेटे को ही यानी कि मेहरवान को ही गुरगद्दी मिलेगी और वही उसका वारिस होगा। ये बात गुरु के महल ने माता गंगा जी ने जाकर गुरु अर्जुन देव जी को बताई और गुरु अर्जुन देव जी जो कि सृष्टि के मालिक हैं, तारनहार हैं, काटकट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत, करण करावन हार स्वामी, सब कुछ जाननहार, जो सब कुछ कर सकते हैं, परंतु गुरु अर्जुन देव जी ने अपने सिख को वडियाई देने के लिए माता गंगा जी से कहा कि आप बाबा बुड्ढा जी के पास जाकर पुत्र की अरदास करें, पुत्र की प्राप्ति बाबा बुड्ढा जी के वरदान से ही होगी, बाबा बुड्ढा जी के आशीर्वाद से ही होगी। कहते हैं माता गंगा जी अगले ही सुबह उठकर लंगर पकाकर अपनी दासियों को साथ लेकर, कुछ सिखों को साथ लेकर घोड़े पर बैठकर बाबा बुड्ढा जी के पास पहुंची। अब बाबा बुड्ढा जी ने कह दिया कि आज गुरुघर में कैसी पाजड़ पै गई है, ये कहकर वे भक्ति में लीन हो गए। सेवादारों ने कह दिया कि बाबा बुड्ढा जी तो सिमरन में जुड़े हैं और माता गंगा जी खाली हाथ वापस लौट गईं। और गुरु अर्जुन देव जी ने कह दिया था कि जब महापुरुष गुरसिख को मिलने जाना हो, संत को मिलने जाना हो, ब्रह्म ज्ञानी को मिलने जाना हो तो झुककर जाना होता है, अपने साथ
अहंकार नहीं ले जाना होता, निमरता रखनी होती है। कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ ना लीजिए कोई, पाछे पाओ ना दीजिए, आगे होए सो होए। जिस प्रकार भगत कबीर जी भी अपनी वाणी में कहते हैं कि जब साधु को मिलने जाते हैं तो हमें साथ में नहीं लेना चाहिए, परंतु क्या यहाँ पर अहंकार की बात की है कि हमें अहंकार को छोड़कर जाना है, निम्रता धारण करनी है, तभी हमें फल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार कहते हैं, अगले ही सुबह माता गंगा जी अमृत वेले उठकर उन्होंने खुद अपने हाथों से लंगर पकाया और नंगी पैरी चलकर वे बाबा बुड्ढा जी के पास पहुंची। कहते हैं बाबा बुड्ढा जी ने गुरु के महलों को आते हुए देखकर खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा, माता मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था, बहुत भूख लगी है, हमें लंगर छकाओ। कहते हैं माता गंगा जी ने अपने हाथों से लंगर परोसा, उन्हें मिसे प्रसादे कच्ची लस्सी और प्याज दिए और कहते हैं बाबा बुड्ढा जी ने उस प्याज को अपने हाथ पर रखकर मुक्का मारते हुए कहा कि आपके घर एक ऐसा महान योद्धा जन्म लेगा जो दुश्मनों के सर इसी प्रकार पन्नेगा और बुराई का नाश करेगा। और इसी प्रकार समय बीतने पर गुरु अर्जन देव जी के घर गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश हुआ और बाबा बुड्ढा जी का वचन पूर्ण हुआ, मेरी बांधी भगत छड़ावे, बांधे भगत ना छूटे मोहे। इस वाणी के अनुसार कहते हैं यदि गुरु ने कोई वचन कह दिए तो उसके भगत उसके ब्रह्मज्ञानी उस वचन को टाल सकते हैं, परंतु यदि साधु संत ने गुरु के भगत ने गुरु की प्रेमी ने ब्रह्मज्ञानी ने कोई वचन कर दिए, कहते हैं उसे प्रभु भी नहीं टाल सकते। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु के भगत प्रभु से भी बड़े होते हैं, क्योंकि उनके मुख से निकला हुआ शब्द लोहे को भी काट देता है। यदि प्रभु ने किसी मनुख को 84 लाख दिनों में ढालना होता है, उसे नरकों में भेजना होता है, परंतु यदि कोई भगत कह दे कि वो मनुख तर जाएगा तो भगवान भी अपनी भगत की लाज रखते हैं, पैज रखते हैं और उस मनुख को तार देते हैं। अपने भगत का वचन कभी टालते नहीं। उसी प्रकार गुरु अर्जन देव जी ने बाबा बुड्ढा जी को वड्याई बख्शी और बाबा बुड्ढा जी के आशीर्वाद के जरिए गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश हुआ। और कहते हैं जब प्रीति चंद गुरु नानक देव जी की वाणी के नाम से कच्ची वाणी का प्रचार कर रहा था और लोगों को परम पुलेखे में डाल रहा था, तब गुरु अर्जन देव जी ने अपने से पहले चारों गुरुओं की वाणी को एकत्र किया और 15 भक्तों की वाणी को एकत्र किया, उसमें अपनी वाणी जोड़कर एक ग्रंथ तैयार करवाया। और जब बात आई कि उस ग्रंथ का प्रकाश कहाँ होना चाहिए,
कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी ने इस बारे में बाबा बुड्ढा जी से पूछा, जानी जान परम परमेश्वर पिता आप जानते थे, गुरु अर्जुन देव जी आप परमेश्वर का रूप हैं, परंतु उन्होंने बाबा बुड्ढा जी को मान बख्शा और बाबा बुड्ढा जी ने कहा कि ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश तो सिर्फ हरिमंदर साहिब में ही हो सकता है, उससे ऊंची स्थान और कौन सी होगी। इसी प्रकार कहते हैं एक दिन नियुक्त किया गया जब ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश होना था, गुरु अर्जन देव जी ने बाबा बुड्ढा जी से कहा कि ग्रंथ साहिब जी आप अपने सर पर रख के आए। इसी प्रकार कहते हैं नगर कीर्तन के रूप में ग्रंथ साहिब जी को हरिमंदर साहिब लाया गया। गुरु अर्जन देव जी पर हमेशा ही चौर साहब झूलता था, परंतु अब आप गुरु अर्जन देव जी ग्रंथ साहब जी को चौर साहब कर रहे थे, जिसे आप बाबा बुड्ढा जी ने उठाया हुआ था अपने सर पर। इसी प्रकार कहते हैं जब बाबा बुड्ढा जी ने ग्रंथ साहब जी को हरिमंदर साहब में रखा, तो कहते हैं गुरु अर्जन देव जी ने चौर साहब बाबा बुड्ढा जी को पकड़ा दिया, और जब बाबा बुड्ढा जी ग्रंथ साहब जी को चौर साहब कर रहे थे, तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा, बुड्ढा साहेब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाजा सुने सब पंथ। सभी ये सोच रहे थे कि गुरु अर्जन देव जी ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश करेंगे, परंतु गुरु अर्जन देव जी ने बाबा बुड्ढा जी को ये मान बख्शा कि पहला प्रकाश वे करें। इसी प्रकार कहते हैं बाबा बुड्ढा जी ने ग्रंथ साहिब जी को खोला, प्रकाश किया और पहला मुखवाक उच्चारण किया, सुही महला पंजवा, संता के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। इसी प्रकार कहते हैं गुरु अर्जन देव जी ने बाबा बुड्ढा जी को पहले हेड ग्रंथी घोषित किया। गुरु अर्जन देव जी ने गुरता गद्दी गुरु हरगोविंद साहिब जी को सौंपी और उनके चरणों में माथा टेका। उपरंत बाबा बुड्ढा जी ने भी गुरु हरगोविंद साहिब जी के चरणों में माथा टेका और गुरु हरगोविंद साहिब जी को गुरता गद्दी का तिलक लगाया। धन है बाबा बुड्ढा जी जिन्होंने छवीं पातशाही तक गुरता गद्दी का तिलक लगाया। गुरु अर्जन देव जी की शहादत के उपरांत गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने नीरी पीरी की दो किरपानी पहनी थी, जो कि आप बाबा बुड्ढा जी ने पहनाई, और कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अकाल तख्त तैयार करवाना था, एक ऐसा स्थान जो कि अपने आप में एक बहुत ही पवित्र स्थान है। इसका टप आप बाबा बुड्ढा जी ने लगाया था, और कहते हैं बाबा बुड्ढा जी गुरदास जी दोनों ने मिलकर अकाल तख्त को आप अपने हाथों से बनाया। कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहिब जी बाबा बुड्ढा जी की बहुत इज्जत किया करते थे।
जब भी बाबा बुड्ढा जी दरबार में आते, गुरु साहब जी आप खड़े होकर उन्हें आगे चलकर लेने आते, और जब बाबा बुड्ढा जी गुरु साहब जी के चरणों में माथा टेकते, तो गुरु साहब जी उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लेते। एक बार गुरु साहब जी ने बाबा बुड्ढा जी से कहा कि आप चलकर ना आया करें, और उनके लिए उन्होंने एक पालकी दी। परंतु बाबा बुड्ढा जी ने कहा, नहीं सच्चे बादशाह, पालकी तो आपके लिए है, मैं तो आपका सेवादार हूँ, आपके दर का मंगता हूँ। परंतु उन्होंने गुरु साहब जी के वचन नहीं मोड़े और पालकी में आए। और कहते हैं, जब वे बीर साहब से हरमंदर साहब पालकी में आ रहे थे, तो गुरु हरगोबिंद साहब जी आप आगे चलकर पालकी को कंधा देने आए, और बाबा बुड्ढा जी ने उसी वक्त पालकी को रोकने को कहा और बाहर आकर गुरु साहब जी के चरणों में बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, मैं आपके दर का सेवक हूँ, आप ऐसा ना करें, मुझे क्षमा करें। इतना मान देते थे गुरु हरगोबिंद साहब जी बाबा बुड्ढा जी को। और इस पर जब गुरु साहब जी ने बाबा बुड्ढा जी से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि पालकी को कंधा मैंने दिया था, बाबा बुड्ढा जी ने कहा, पहले जामे में आप ही के रूप, आप ही की ज्योत गुरु नानक देव जी ने कहा था कि तेरे तो ओले कदी ना होसी, तो मैं आपसे दूर कहाँ हूँ, ये आप भी तो जानते हैं। ये सुनकर गुरु साहब जी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया था। और आगे चलकर जब गुरु हरगोबिंद साहब जी को कैद कर लिया गया था ग्वालियर के किले में, तब बाबा बुड्ढा जी बीर साहब में थे। वहाँ से वो चलकर ग्वालियर के किले में पहुँचे, और उनके पीछे पीछे संगत चल रही थी। बाबा बुड्ढा जी जानते थे कि गुरु साहब जी कहाँ पर हैं। ग्वालियर के किले पर पहुंचकर दरवाजे के बाहर खड़े सिपाही से बाबा बुड्ढा जी ने पूछा कि दुनिया के मालिक परम पिता परमेश्वर गुरु हरगोबिंद साहब जी क्या अंदर हैं। सिपाही ने कहा, जी हाँ। कहते हैं बाबा बुड्ढा जी ने जिस राह से गुरु साहब जी गुजरे हैं, अंदर गए हैं, उस धरती को माथा टेका। गुरु साहब जी ग्वालियर के किले के अंदर थे, और किले के बाहर बाबा बुड्ढा जी उनकी याद में बैठे थे, किले की परिक्रमा कर रहे थे। और जब गुरु साहब जी ग्वालियर के किले से हरमंदर साहब पहुँचे, तो बाबा बुड्ढा जी ने उनका स्वागत किया। हरमंदर साहब में आज भी चौकी निकाली जाती है, सिख संगत चौकी में शामिल होकर बाबा बुड्ढा साहब जी को याद करते हैं, क्योंकि बाबा बुड्ढा साहब जी ही इस प्रकार चौकी निकाला करते थे और सिख संगतों को नाम जपाया करते थे। उपरंत कहते हैं, बाबा बुड्ढा जी रविदास स्थान पर पहुँचे और वहीं रहकर सिक्खी का प्रचार किया। उनकी उम्र अब 125 साल की हो चुकी थी, और समय आया उन्होंने एक साहूकार को संदेशा देकर गुरु हरगोबिंद साहब जी के पास भेजा, और गुरु हरगोबिंद साहब जी आप चलकर आए बाबा बुड्ढा जी को मिलने के लिए। कहते हैं,
जब गुरु हरगोबिंद साहब जी बाबा बुढ़ा जी को मिलने आए तब वे चौकड़ा लगाकर बंदगी में लीन थे। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने आकर बाबा बुढ़ा जी के चरण पकड़ लिए और कहा, धन है बाबा बुढ़ा जी जिन्होंने सिक्खी कमाई, 12 साल से अब तक सभी गुरुओं का साथ निभाया, उनकी सेवा की, दुनिया में एक मिसाल कायम की है। इससे ये देखने को मिलता है कि गुरु अपने सिखों से कितना प्यार करते हैं, उन्हें कितना मान देते हैं। और आज हमें ये सोचना है कि क्या हम सिखों को मान दे पाते हैं, क्या हम पंच प्यारों का आदर करते हैं, उन्हें जो सत्कार देना चाहिए, हमारे अंदर जो विश्वास होना चाहिए, जो अदब होना चाहिए, जो निम्रता होनी चाहिए, क्या वो हमारे अंदर है। कहते हैं शाम तक गुरु हरगोबिंद साहब जी बाबा बुढ़ा जी के पास ही बैठे रहे, उनके साथ बिधी चंद जी भी थे। बाबा बुढ़ा जी ने गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरणों में माथा टेका और कहा कि हे सच्चे पातशाह, 12 साल की आयु में मुझे गुरु की प्राप्ति हुई, गुरु ने 2 बार मुझे अपने सीने से लगाया और अब तक आप जी के चरणों में सेवा करते करते मेरा जीवन बीता। यदि मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये ब्रह्मज्ञानी के बोल काश हम भी समझ सकें कि कितनी निम्रता थी उनके अंदर। और आज हम सेवा करते हैं और सोचते हैं कि मैं ही सभी कुछ हूँ, अगर मैं ना हूँ तो कौन करेगा, गुरु घर कैसे चलेगा। बाबा बुढ़ा जी ने सिख संगतों को उपदेश दिया, कीरत करो, वंड छको, नाम जपो और हर समय गुरु के साथ जुड़कर रहो। इसी प्रकार रात हो गई। बाबा बुढ़ा जी को पता था कि अमृत वेले उन्होंने ये शरीर त्याग देना है। कहते हैं सारी रात रैन सभाई का कीर्तन हुआ। अमृत वेले बाबा बुढ़ा जी ने स्नान किया और गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरणों में बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, आप मेरे सामने बैठे, मैं आपको जी भर कर देखना चाहता हूँ, आपके दीदार करना चाहता हूँ। और गुरु साहब जी की दीदार करते हुए उन्होंने जपजी साहब का पाठ आरंभ किया और आखिरी श्लोक पढ़कर उन्होंने गुरु साहब जी के चरणों में ही माथा टेका और वो माथा हमेशा के लिए टेक दिया। गुरु साहब जी ने अपने हाथों से चिखा तैयार की और बाबा बुढ़ा साहब जी का अंतिम संस्कार किया। कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब जी की आंखों से भी आंसू छलक गए थे। धन है बाबा बुढ़ा जी और धन है उनकी सिक्खी। गुरु साहब जी हम पर भी कृपा करें कि हम भी सिक्खी को कमा सकें और अपना जीवन सफल कर सकें। अवर उपदेश आपना करे, आवत जावत जन्मे मरे। इस महावाक्य अनुसार गुरु साहब जी कृपा करें कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उस रास्ते पर मैं खुद भी चल सकूँ, ताकि मेरा भी उद्धार हो सके। विच संगत हर प्रभ वसै जियो, सात संगत असीस बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंग जाए। दास को 84 लाख
जोनिया ना भोगनी पड़े, दास का पार उतारा हो जाए, इतनी असीज बख्शना। कथा करते हुए आप जी की अनजान दास से कई प्रकार की भूले हो गई हैं, साथ संगत कृपा करो, पुल्ला बख्शो, फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।